नमस्कार दोस्तों व्यापम के अंतर्गत आबकारी विभाग की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है बारहवीं पास सभी आवेदन कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा सरकारी रिजल्ट पे एम एस बी एक्टिव कॉन्स्टेबल ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं मध्य प्रदेश एम पी एस बी पी ए बीट कांस्टेबल अबकारी रिक्वायरमेंट दो हजार बाईस अप्लाईन फायर दो सौ पोस्टें हैं व्यापम की है दोस्तों बहुत दिनों बाद आई है सब कुछ आवेदन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भर दस दिसंबर दो हजार बाईस से चौबीस दिसंबर दो हजार बाईस के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे जैनल अदर स्टेट वालों के लिए पाँच सौ साठ रुपए एस सी एस वालों के लिए तीन सौ दस रुपए फीस करेक्शन डेट लास्ट डेट है उनतीस दिसंबर दो हजार बाईस तक एग्जाम डेट बीस 20 फरवरी 2023 को एडमिट कार्ड दस दिन पहले एवेलेबल हो जाएंगे एग्जाम के एज लिमिट की गणना एक एक बाईस से की गई है मिनिमम एज अठारह साल मैक्मम एज तेतीस साल कैटेगरी वाइज छूट भी दी है सिपाही डायरेक्ट बैकलॉग पोस्ट फॉर एजुकेटिव डिपार्टमेंट एम पी रिक्वायरमेंट बारहवीं पास है हाइट वन सिक्सटी सेवन अपन दशमलव फाइव चेस्ट है इक्यासी से छियासी भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन रतराम सागर सतना खंडवा सीधी एग्जाम सेंटर ये दिए हुए एग्जाम लिंक 10 दिसंबर 2022 को खुलेगी। डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 10 दिसंबर 2022 से चौबीस दिसंबर दो हजार बाईस के बीच फॉर्म भरे जाएंगे 29 दिसंबर दो हजार बाईस को संशोधन की लास्ट डेट है पेपर दो चरणों में होगा प्रथम पाली दो ती पाली आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती ओपन महिला भूतपूर्व सैनिक ओबीसी ओ वालों के लिए दस है जनरल वालों के लिए चार एस वालों के लिए पाँच अनुसूचित जनजाति वालों के लिए सात और ई वालों के लिए टोटल उनतीस पोस्टें महिलाओं के लिए टोटल सत्रह पोस्टें भूतपुरुष सैनिक के लिए पचपन नहीं सॉरी पाँच टोटल इनकावन पोस्टें आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती में जनरल वालों के लिए ज़ीरो पोस्ट है ओबीसी वालों के लिए आठ पोस्ट है और एस वालों के लिए चौवालीस तैतीस अनुसूचित जनजाति वालों के लिए चौवालीस पोस्टें टोटल एक सौ उनचास पोस्टें आई हैं आबकारी उन्नीस हजार पांच सौ से बासठ हजार के बीच वेतनमान रहेगा खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती है न्यूनतम एज इक्कीस साल मैगजमा में, में तैतीस साल रहेगा एससी एस टी ओबीसी वालों के लिए पांच वर्ष के एज में छूट है न्यूनतम शरीर का है तहत पुरुष एक सौ सड़सठ दशमलव पांच सेंटीमीटर सीना इक्यासी दशमलव इक्यासी सेंटीमीटर पांच फुलाने के बाद छियासी सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम पास होना चाहिए पुरानी कम से से समकक्ष कम कम परीक्षा का सिलेबस सामान्य ज्ञान तार्किक चालीस नंबर बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि तीस नंबर विज्ञान और सरल अंक गणित तीस अंक टोटल सब अंक का पेपर होगा माइनस मार्किंग इसमें नहीं दी हुई है बारहवीं पास वैकेंसी है पारस्परिक वरिष्ठता तो। तीन घंटे की अवध के प्रश्न पत्र के लिए साठ मिनट दो घंटे तीस मिनट की अवध के लिए प्रश्न पत्र पचास मिनट दो घंटे की अवध के लिए प्रश्न पत्र चालीस मिनट एक घंटे तीस मिनट के लिए प्रश्न तीस मिनट रहेगा किसी कायन वश प्रश्न निरस्त किए जाते हैं इनकी गाना इस प्रकार की जाएगी इसमें लिखी हुई है ध्यान से देखिएगा अंत तक देखिएगा जिससे कि वीडियो आपको समझ में आ जाए एम पी ऑनलाइन क्यूर्स के माध्यम से भी आवेदन आप कर सकते हैं इसका विधि विवरण इसमें दिया हुआ है इंटरनेट बैंकिंग अन्य डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से आप फा। पेमेंट कर सकते हैं पुनःगाना पुनर्मांकन किस प्रकार होगा आवेदन फॉर्म भरने की तिथि दस दिसंबर दो हजार बाईस से चौबीस दिसंबर दो हजार बाईस तक पंद्रह दिवस का समय रहेगा फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन परीक्षा दो पालियों में होगा प्रथम पाली दस बजे से बारह बजे तक दोती पाली तीन बजे से पाँच बजे के बीच दोनों पालियों में छः सौ अंक के पेपर होंगे छः सौ क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा शुल्क पाँच सौ रुपये जनरल वालों के लिए एस सी एस टी ओ बी सी वालों के लिए ढाई सौ रुपये पोर्टल अतिरिक्त दे होगा एम पी ऑनलाइन पोर्टल से पोर्टल से आप करते हैं कि उसके माध्यम से सिक्सटी और सिटीजन के माध्यम से करते ट्वेंटी रुपीज सामान्य ज्ञान तार्किक चालीस नंबर बौद्धिक क्षमता मानसिक अवरुद्ध तीस नंबर विज्ञान एवं सरल गणित तीस नंबर ये व्यापम का फॉर्मेट है दोस्तों इसी फॉर्मेट को आप यहाँ बीचों बीच हस्ताक्षर करना है फोर इंटू फाइव बालीस सेंटीमीटर पर फोटो लगानी है ये डिक्लेशन को इसमें लिख के व्यापम की प्रोफाइल बना के फॉर्म को अपलोड करना उसके बाद ही आप फिलअप कर पाएंगे ये दोस्तों है इसमें दोस्तों अगर आपकी फ़ीस वापस करने का इसमें ऑप्शन है तो फॉर्म फिलअप करके वहाँ आप जमा कर सकते हैं जमा करने पर आपका इसी में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कहाँ पर जमा करना जिससे कि आपकी फ़ीस वापस मिल जाए धन्यवाद दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ धन्यवाद